कालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार इस बार पेश करेगी अपना अनुपूरक बजट। सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम बुधवार को जारी हो चुका है। 28 नवंबर को शीतकालीन सत्र का पहला दिन होगा। दिवंगत विधायक आशुतोष टंडन को सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पहले दिन सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। 30 नवंबर को अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी। सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हो चुका है और 28 नवंबर को विंटर सेशन का पहला दिन होगा और दिवंगत विधायक आशुतोष टंडन को सदन देगा श्रद्धांजलि। और इस बार माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट है ये काफी बड़ा होगा, क्योंकि चुनाव आने हैं और ऐसे में तमाम चुनावी जो घोषणाएं सरकार करती है उस पर भी पूरी तरह से ध्यान देगी सरकार। और कहा जा सकता है कि कई जो चीज़ें हैं, चाहे किसानों से जुड़े मुद्दे हो या फिर लोक लुभावन मुद्दे हो, उस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। तमाम जनता से जुड़े फैसले ले सकती है सरकार। सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम बुधवार को जारी हो चुका है। यूपी अनुपूरक बजट को लेकर यह बड़ी अपडेट। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार। 29 तारीख को शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और 42,000 करोड़ का जो आकार होगा, जो साइज होगा बजट का, वो इस बार देखने को मिल सकता है। सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है और इसका आकार 42,000 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह देते हुए कई जो प्रावधान है वो किए जा रहे हैं। और मेरे साथ संजय चौहान जुड़ चुके हैं। संजय, आपकी बार बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट का जो आकार होगा काफी बड़ा होगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो घोषणाएं हैं, चाहे चुनावी वादे हों, उन तमाम चीजों को सरकार तरजीह देगी। चाहे तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की बात की जाए या किसानों से जुड़े मुद्दे हों, सभी पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि 28 नवंबर से इस जो बजट सत्र है अनुपूरक का वो शुरुआत होगी। हालांकि जो कार्यक्रम जारी किया गया है उस कार्यक्रम में 28 को आशुतोष टंडन, जो बीजेपी के से लखनऊ के पूर्वी विधानसभा से विधायक थे, उनका देहांत लंबी बीमारी के बाद हुआ था, उसको लेकर के वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद 30 को दूसरे दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इस बार 4 विधेयक भी हैं जिनका संशोधन विधेयक है वो पेश किया जाएगा। अगर सीरा की बात करें, राज्य विश्वविद्यालय की बात करें, निजी विश्वविद्यालय की बात करें, तो इस तरीके से ये विधेयक भी पास किए जाएंगे। पूरा जो शेड्यूल है वो तय कर दिया गया है। 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये बजट, जो अनुपूरक बजट है, वो लाया जाएगा। भारी भरकम बजट, चूंकि 2023-24 का ये भारी भरकम बजट माना जा रहा है, तो इस बजट में तमाम चीजें हैं, चाहे तीर्थ स्थल की बात करें, संजय, या राजस्व की बात करें, 25% तक की वृद्धि होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं, सरकार के ऊपर भी एक अतिरिक्त भार होगा, एक ज्यादा कहा जा सकता है कि जो चीजें हैं उसको लेकर सरकार बजट बढ़ा रही है। 25% तक बढ़ाने की बात की जा रही है, सरकार पर कितना भार आएगा? बिल्कुल, बजट 25% बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर भार आएगा। उसे बजट को किस तरीके से व्यवस्था किया जाए उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, तभी इस बजट को पेश किया जा रहा है। टेक्निकल तौर पर सारी तैयारियां जो है सरकार ने कंप्लीट कर ली है, विभागी अगर बात करें तो, उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। तो 28 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होगी। तकरीबन 5 दिन का ये बजट सत्र माना जा रहा है, 5 दिन तक सदन चलने वाला है। तो ये भारी भरकम बजट के जरिए, चाहे गन्ना जो किसान है उनकी बात करें, उन्हें साधने का प्रयास होगा। नौजवानों, बेरोजगारों को साधने का प्रयास किया जाएगा। जो धार्मिक चीजें हैं उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए उसको भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने का सरकार का प्रयास होगा। राम मंदिर के निर्माण में कोई कमी ना आए उसको लेकर के भी पूरी तरीके से बजट की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, आगे कमी ना पड़े उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नज़र सरकार की होगी। मथुरा में जिस तरीके से कॉरिडोर बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, आज पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उसको भी एजेंडे में रखा जा रहा है। तो इस बार का एजेंडा जो सरकार का है, खास करके प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का, उनका सेट है कि लोकसभा
लोकसभा चुनाव के दौरान किस किन मुद्दों पर फोकस करके जाना है, तो यही वजह है कि जो धार्मिक जो स्थल है, चाहे नैमिषारण्य की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, काशी की बात कर लें या फिर अयोध्या की बात करें, इन सब जगहों पर जिस तरीके से काम चल रहा है तो वो एक एजेंडे के तहत काम चल रहा है और उसी एजेंडे के तहत उन्हें जाना है। और यही वजह है कि भारी भरकम विकास कार्यों की गति को बरकरार रखने के लिए यूपी की योगी सरकार अब की बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। और संजय जानकारी दे रहे थे, संजय आपका बहुत धन्यवाद। और लखनऊ से बड़ी खबर है, पूर्वांचल नक्सली नेटवर्क की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है।